पुलिस, तो फिर ये केसेस 10 साल से पेंडिंग क्यों थे? स्ट्रेंज लॉजिक है माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट कालियप्पन के बेटे कोलंजी एक इनोसेंट ट्राइबल है। इन्होंने विरुद्धाचलम के पुलिस वालों को इनके बेटे को मार पीट कर ले जाते हुए देखा। इंक्वायरी करने पर पुलिस ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। चिल्ला रहा था पर वो पुलिस वाले उसे घसीट कर ले गए। गरीबों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, सब हमारे मदद कीजिए। ए, गाना सुनिए, ये क्या? चल हाथ बढ़ा जा। तो आज रात चूहे बिल्ली का खेल हो जाए। अच्छा ये बात है क्या? परिवार बढ़ाने का इरादा तो नहीं है? मेरा यकीन कीजिए सर, ये सब नए वोटर्स हैं। आज तक इनमें से किसी ने भी वोट नहीं डाला है सर। सर, सरपंच के घर जब गहने चोरी हुए वो इस केस का स्टार्टिंग पॉइंट था। उस क्राइम सीन पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, एक सपेरे राजा कन्नू का है और दूसरा रवि का, जो कि असली चोर है। माय लॉर्ड्स, राजा कन्नू की मौत पर हजारों सवाल उठ सकते हैं। इसे हाई कोर्ट के बजाय क्रिमिनल कोर्ट में लड़ा जाए। ट्राइबल्स को बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस वालों को अपराधी घोषित कर दो। दिस इज नॉट फेयर। अरे तूने तो मेरी पूरी जमीन खोद के सुनो, काम ठीक से करना। तुम्हें गांव में बुलाकर गलती की, इज्जत से पेश आए तो सर पे चढ़ जाओगे। नए लोग घर आए थे क्या? किसी पर शक हो तो मुझे बताइए कौन था वो, हम उससे पूछताछ कर ले। मिल जाएगा, सब्र रखिए ना, हम ढूंढ रहे हैं। मगर कब है? चोरी के सारे गहने बिक जाने के बाद ढूंढोगे और उसके बाद तुम उसे जेल में ठूस दोगे, मैं खुश हो जाऊंगा है? अरे जाओ, ये कहानी पुरानी है। तुम्हारे भरोसे रहा ना तो मेरा जनाजा निकल जाएगा। मैं SP से मिलता हूँ, सरपंच की ताकत क्या होती है तब पता चलेगा तुम्हें। चल बात सुन, मेरी बात सुन। मामला बिगड़ता ही जा रहा है, गांव के किसी बड़े आदमी को लेकर आ जा। सारे लापता लोग ट्राइबल्स हैं, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो DGP, होम सेक्रेटरी, SC ST कमीशन सबको जवाब देना पड़ेगा। कैसे जाता मैं लॉर्ड? मेरी तो BP और डायबिटीज के खिलाफ भी नहीं चलती, बाहर 10 मिनट तमाशा देखा और अंदर आ गया। राजा कन्नू, इरटप्पन और मोसाकुटी को पूछताछ के लिए लाया गया था। 4 जून 1995 की रात तकरीबन 10:55 पर वो पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर, उस दुकान का नाम ओम मेडिकल्स और सेल्समैन का नाम मिस्टर विनोद है। अलाउ द काउंसिल टू प्रोसीड इन हिज ओन वे, डोंट इंटरप्ट, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। जानकारी इकट्ठा करना ही मेरा काम है, डो नॉट क्वेश्चन माई एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर है।